खबर कुशीनगर से, जहां पुलिस और शातिर चोर के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी चोर मुठभेड़ में गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई पुलिस की। शातिर चोर के पैर में गोली लगने से घायल। पुलिस ने नकली अवैध हथियार भी जब्त किए गए। पटरौना कोतवाली क्षेत्र के पास ये मुठभेड़ बदमाशों और पुलिस के बीच देखने को मिली है। तो ऑपरेशन अगला के तहत लगातार बदमाशों पर शिकंजा कसने की कवायद जारी है। तो 25,000 का इनामी चोर जो है मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है, एक बड़ी कामयाबी इस कार्रवाई के जरिए। तो कुशीनगर में ये कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से इस बदमाश पर शिकंजा कसा गया है। तो नकदी, अवैध हथियार भी कार्रवाई के दौरान बदमाश से बरामद हुए। तो देखिए, अलग अलग जिलों में इसी तरह से ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाईयों को अंजाम पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। संवाददाता संतोष हमारे साथ कुशीनगर से जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी, बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ? जी बिल्कुल, बता दें कि ये जो अभियुक्त है छोटे करवा, ये रामपोला थाना क्षेत्र के मटिया गांव का रहने वाला है, जो कि एक साथी चोर भी है, जिसके ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आज देर शाम को पुलिस ने बैरिकेटिंग के दौरान इसको गिरफ्तार किया है। हालांकि मुठभेड़ हुई है, इसने पुलिस को गोली भी चलाया था। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, तो इसके पैर में गोली लगी है। ये जो छोटे खरवार जो है, इसके पास 19,600 रुपए बरामद हुए हैं। 315 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई है और जिंदा और खोखा कारतूस भी इसके पास से बरामद हुई है। क्योंकि ये लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक की फरार चल रहा था, आज पुलिस ने इसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जान